एक गांव में एक लड़का और लड़की रहते थे। लड़का का नाम आर्यन था और लड़की का नाम आदित्य। वे दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते और पढ़ाई करते थे। उनकी दोस्ती बहुत ही गहरी थी। जब आर्यन और आदित्य बड़े हो गए तो उनके दिल में एक दूसरे के प्रति अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होने लगी। आर्यन को आदित्य में एक खास खिंचाव महसूस होने लगा, जबकि आदित्य भी आर्यन के प्रति अनुराग महसूस करने लगी। एक दिन गांव में एक मेला आया। आर्यन और आदित्य ने साथ मेले में जाने का फैसला किया। मेले में वे एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते रहे। वहां एक जादूगर आया और उनसे अलग अलग प्रश्न पूछने लगा। जादूगर ने आर्यन से पूछा, क्या तुम आदित्य से प्यार करते हो? आर्यन शर्मा कर बोला, हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। जादूगर ने आदित्य से भी यही सवाल पूछा। आदित्य ने भी हाँ कह दी। जादूगर ने उनको एक जादू की चमड़ी दी और कहा, इस चमड़ी को धरकर जो व्यक्ति तुम्हें सच्चा प्यार करता है वही तुम्हें दिखेगा। आर्यन और आदित्य गांव वापस आ गए और उन्होंने चमड़ी का परीक्षण किया। परिणाम सामने आया कि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपने जीवन की नई यात्रा शुरू की।